हेलो एवरीवन, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यह है वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो किस तरीके से आप सेंटेंस को बनाते हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन से फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब सेंटेंस को किस तरीके से बदला जाता है। तो हमने यहाँ पर ऊपर ही लिखा है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो सेंटेंस को किस प्रकार से बदलेंगे। रूल्स की अगर हम बात करें तो पहला रूल्स यहाँ पर हमने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे और उसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मीन सेड टू वहां पर लिखा हुआ या सेड लिखा हुआ होगा, तो सेड टू को आप टोल्ड में बदल देंगे। मीन अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो वहां पर सेड टू लिखा हुआ होगा जिससे पता चलेगा कि सेंटेंस जो है वो पास्ट का है। तो अगर सेड टू लिखा हुआ है तो सेड टू को आप टोल्ड में बदलेंगे, लेकिन अगर सिर्फ वहां पर सेड लिखा हुआ है तो सेट को आप नहीं बदलते हैं। मीन सेट टू लिखा हुआ होगा तो सेट टू को आप टोल्ड में बदल देंगे, और अगर सेट लिखा हुआ होगा तो सेट को नहीं बदला जाना है, सेट ऐसे का ऐसे ही रहता है। दूसरे रूल्स की बात करें तो दूसरे रूल में यहां पर कहा है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस को निम्न प्रकार बदलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जब सीखा था रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में थी या फ्यूचर में थी तो उस कंडीशन में टेंस को नहीं बदला जा रहा था, लेकिन अब यहां पर पास्ट सेंटेंस में है इसलिए यहां पर सेंटेंस के टेंस को बदलना पड़ेगा। और किस प्रकार से बदला जाएगा ये हम नीचे देखते हैं किस तरीके से आप इसको बदलेंगे। यहां पर हमने लिखा है अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनाइट सेंटेंस है तो उसको पास्ट इंडिफिनाइट में आपको बदलना होगा। मीन डू डज फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस जो होंगे वो डिड और सेकेंड फॉर्म में बदल जाने हैं। इसके अलावा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है, मीन इज एम आर वाला वाज वर्ब में बदल जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना होगा कि वाज लगाना है या वर्ब लगाना है। इसी तरीके से जो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट मीन हैवेज वाले जो सेंटेंस है वो हैड में बदल जाएंगे, मीन पास्ट परफेक्ट में उनको बदल जाना है। जो प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जहां पर हैव हैज बीन का आप यूज करते हैं, ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाने हैं, मीन यहां पर भी हैड बीन आ जाना है। तो याद रखें हैव हैज वाले भी हैड में बदल रहे हैं और हैव हैज बीन हैड बीन में यहां पर बदल रहे हैं। इसके बाद अगर सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनाइट सेंटेंस है, मीन डिड वहां पर यूज किया जा रहा है या सेकेंड फॉर्म वहां पर आ रही है, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, मीन हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पर लगाते हैं। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस मीन वहां पर वाज वर्ब का यूज किया गया है, तो आप उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे, मीन वाज वर्ब की जगह पर आप हैड बीन का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, मीन सेंटेंस में हैड का यूज किया गया है, अगर सेंटेंस में हैड का यूज किया गया है तो आप उसे नहीं बदलेंगे, मीन वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, हैड में ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसके अलावा अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, मीन हैड बीन का यूज किया जा रहा है, तो ये इसमें भी कोई चेंज नहीं होता, ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा, मीन हैड बीन ऐसे ही रहेगा। विल शैल वाले जो सेंटेंस होंगे वो वुड शुड में बदल जाएंगे, मीन जो सेंटेंस आपके यहाँ पर विल और शैल का यूज किया होगा उनको आप वुड और शुड में बदल देंगे। वुड और शुड कब लगाना है ये आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है। मैं वाला जो होगा, अगर सेंटेंस में मैं दिया हुआ है तो मैं को आप माइट में कन्वर्ट कर देंगे, मैं को माइट में बदल दिया जाना है। और अगर सेंटेंस में कैन दिया हुआ है तो कैन वाला कुड में बदल जाता है, कैन वाले को आप कुड में बदल देंगे। इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंसेस में चेंजिंग की जानी है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट मीन टू डज फर्स्ट फॉर्म वाले डिड में और सेकंड फॉर्म में, इज एम आर वाले वाज वर्ब में, हैव हैज वाले हैड में,
have, has been, had been में did वाला had और third form में आ जाएगा, was were वाला had been में, had वाला had में रहना, had been भी had been में ही रहेगा। will shall को would should में बदलेंगे, may का might और can का could बन जाना है। इसके बाद यहां पर एक रूल हमने और लिया है, यहां पर हमने कहा है थर्ड रूल में इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ शब्दों को निम्न प्रकार बदला जाता है। मीन अगर ये शब्द डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिए हुए हैं तो आप उनको इनडायरेक्ट बनाते हुए में इस तरीके से बदलेंगे। मीन अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं पर नाउ लिखा हुआ है तो नाउ देन में बदल जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दिस को दैट में बदल देते हैं, दिस को दोज में बदल दिया जाता है, हेयर को देयर में बदलते हैं, एगो को बिफोर में बदला जाता है, हैंस को देंस में बदले हैं, जस्ट को देन में बदला जाता है, ये देख रहे हैदर को देदर में बदल दिया जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में 10 यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप उसको 100 में बदलेंगे, टुडे को बदला जाता है दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को बदलते हैं द नेक्स्ट डे में, लास्ट नाइट को बदलते हैं द प्रीवियस नाइट, कम अगर वहां पे दिया होता है तो कम को बदल देते हैं गो में। इस तरीके से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको बदला जाता है। मीन अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनमें से आपको कोई सा भी वर्ड दिया जाए तो उनको इस तरीके से बदला जाना है, ऐसे इनमें से कोई वर्ड दे दिया जाए तो उसको इस तरीके से बदला जाना है। तो ये सेंटेंस आपको सेंटेंस में आपको बदलना होगा जब आप इनडायरेक्ट सेंटेंस यहां पर बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम यहां पर ले रहे हैं, कहा है मोहन सेड सोहन इज फैट, मोहन सेड सोहन इज फैट, तो यहां पर सेड का यूज किया। अगर सेड है तो सेड को आप नहीं बदलते हैं, सेड को वैसे का वैसे रखा जाना है। तो हमने लिखा मोहन सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगाते हैं दैट, तो हमने यहां पर दैट लगा दिया। सोहन भी हमने ऐसे ही लिखा, हाँ याद रखेंगे इज एम आर वाले वाज वर्ब में बदल जाने, तो इज एम आर की जगह पर यहां पर वाज आ गया, सोहन के साथ वाज लगाया, सोहन वाज फैट यहां पर हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरे सेंटेंस की अगर तरफ हम देखें तो दूसरे सेंटेंस में यहां पर कहा है गोपाल सेड मुकेश रीड्स ए बुक, तो गोपाल ऐसे ही आ जाना है, सेड को भी आप सेड ऐसे लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट यहां पर दिया हुआ है मुकेश, ये ऐसे आ गया, और यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड यहां पर दी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले बदल जाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में, रीड भी यहां पर सेकंड फॉर्म में, रीड की फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड रेड पढ़ी जाती है और थर्ड रीड पढ़ी जाती है, लिखा सबको एक जैसा ही जाता है, रीड ही इसको लिखा जाता है, ये सेकंड फॉर्म है, रीड ए बुक मीन फर्स्ट फॉर्म वाले को आपने सेकंड फॉर्म में बदल दिया है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल्स की तरफ देखें तो थर्ड एग्जांपल में हमने यहां पर लिया है द टीचर सेड टू मी फाइव बॉयज प्ले क्रिकेट, हमने अभी रूल्स में पढ़ा था सेड टू अगर होगा तो उसको आप टोल्ड में बदल देंगे, तो हमने द टीचर ऐसे ही लिखा, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, मी की जगह पर आपने मी ऐसे ही लिख लिया, इन्वर्टेड कॉमा हमने हटाया उसकी जगह पर दैट लगा दिया, फाइव बॉयज ऐसे ही आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले यहां पे लिखी थी तो फर्स्ट फॉर्म वाला सेकंड फॉर्म में बदल जाना है, आपने यहां पर सेकंड फॉर्म लगा दी प्लेड, इस तरीके से यहां पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं, एग्जांपल यहां पर फोर हमने कहा है हरी सेड मोहन इज रीडिंग ए बुक, तो हरी से हरी तो ऐसे ही आ जाएगा, सेड को नहीं बदलते तो सेड भी ऐसे ही आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपने लगाया दैट, मोहन सब्जेक्ट है इसको भी ऐसे लिख लिया, हाँ इज एम आर यहां पर अब इज आ गया, तो इज एम आर वाले हमने पढ़े हैं वाज वर्ब में बदलते हैं और मोहन के साथ लगाएंगे आप वाज, तो मोहन वाज रीडिंग ए बुक, ये सेंटेंस हमारा ऐसे बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने यहां पर लिया है फाइव, फाइव में कहा है राम सेड टू मी हरी हैज रिटन ए लेटर, फिर से यहां पर सेड टू आ चुका है और हमने पढ़ा है कि सेड टू को आप बदलते हैं टोल्ड में, तो राम टोल्ड मी ऐसे आ गया, इन्वर्टेड कोमा हटाकर आपने फिर से यहां पर दैट लगाया, सब्जेक्ट यहां पर हरी था तो हरी हमने ऐसे ही लिखा, हैव हैज वाले हमने पढ़ा है हैव हैज वाले बदल जाते हैं हैड में, तो हैव हैज को हैड में बदला, बाकी रिटन ए लेटर ये ऐसे का ऐसे ही आ गया।
एग्जाम्पल नंबर सिक्स की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सिक्स में यहां पर कहा है मीरा सेड टू सीला, फिर से यहां पर सेड टू आ चुका है, तो सेड टू को आप टोल्ड में बदलेंगे, यहां पर सेड नहीं आना है, यहां पर टोल्ड लिखा जाना है, तो आप यहां पर टोल्ड लिखेंगे। मीरा टोल्ड शीला दैट, इन्वर्टेड कॉमा अगर आपने दैट लगा दिया, सम बॉयज हैव हैज वालों को बदलना है हैड में, तो ये हैड में बदल गया, नॉट गोन आउट, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। मीन सेट टू को टोल्ड में बदला जाएगा, यहां पर हम टोल्ड लिखेंगे, वो मिस्टेक से सेट वहां पर लिखा गया था, तो सेट को आप टोल्ड में बदल देंगे, मीरा टोल्ड शीला, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया, सम बॉयज हैव का बदल दिया हैड में, आगे नॉट गॉन आउट, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। इसके बाद सेवन की तरफ पढ़ते हैं, तो सेवन में यहां पर कहा है ही सेड टू हर शी रॉट ए लेटर, फिर से यहां पर सेड टू आ गया है, तो सेड टू को आप बदलेंगे, सेड टू को बदल जाएगा टोल्ड में, ही टोल्ड हर ऐसे का ऐसे ही आ गया, शी यहां पर है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को नहीं बदलते, तो शी आपने फिर से ऐसे लिखा। अब यहां पर आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमने पढ़ा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप बदलते हैं हेड में, और आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में आ जाती है, तो यहां पर सेकंड फॉर्म थी इसलिए आपने उसको हेड रिटन मीन हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लगाकर लिख दिया, ए लेटर ऐसे का ऐसे ही आ जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर एट देखते हैं, तो एग्जाम्पल एट में यहां पर कहा है महेश सेड टू रमेश मीरा वाज रीडिंग ए बुक, तो यहां पर भी सेंटेंस में सेड टू दिया हुआ है, तो सेड टू को हम बदल देंगे यहां पर टोल्ड में, हम इसे बदल देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, रमेश ऐसे का ऐसे हमने लिखा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने लगाया दैट, सब्जेक्ट यहां पर मीरा है, इसको भी ऐसे लिख लिया जाएगा, वाज वर वाला हमने पढ़ा है, वाज वर वाले बदलते हैं हैड बीन में, तो यहां पर वाज वर की जगह पर लगा दिया आपने हैड बीन, आगे रीडिंग ए बुक वो वैसे का वैसे हमने यहां पर लिख दिया है। इसके बाद सेंटेंस नाइन को देखते हैं, नाइन में यहां पर कहा है गोपाल सॉरी गोपी सेड टू हीरा आई हैड रिटन ए लेटर, यहां पर फिर से सेड टू दिया हुआ है, तो सेड टू को आप टोल्ड में बदल देंगे, गोपी टोल्ड हीरा ऐसे ही आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने लगाया दैट, और यहां पर आई दिया हुआ है, तो आई जो होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट क्या यहां पर गोपी है, तो सब्जेक्ट हम बना देंगे उसके लिए ही बना दिया जाएगा, हेड वाला हेड में ही रहेगा, रिटन ए लेटर ये ऐसे का ऐसे ही लिख दिया जाएगा। इसके बाद सेंटेंस 10 की तरफ देखते हैं, तो 10 सेंटेंस में यहां पर कहा है गोपाल सेड टू सीला मीरा विल नॉट गो, सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, तो हमने गोपाल टोल्ड शीला लगाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने लगाया दैट, और मीरा यहां पर नेम दिया हुआ है थर्ड पर्सन है, इसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे, विल शेल वाले वुड शूट में बदल जाते हैं, तो विल वाले को हमने वुड में बदल दिया, नॉट गो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद सेंटेंस 11 की तरफ देखते हैं, सेंटेंस 11 में कहा है ही सेड आई शैल कम, तो सेड तो ऐसे ही रहता है, हमने ही सेड ऐसे ही लिखा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने लगा दिया यहां पर दैट, आई सब्जेक्ट के हिसाब से बताता है, सब्जेक्ट यहां पर ही दिया हुआ है, इसलिए हमने यहां पर लिखा ही, और विल शेल वाले वुड शुड में बदलते हैं, ही के साथ लगाएंगे आप वुड, ही वुड गो, कम को भी बदल दिया जाता है गो में, याद रखेंगे विल शेल वाले वुड शुड में बदल जाएंगे, और अगर कम दिया हुआ होगा तो वो गो में बदल जाता है। इसके बाद सेंटेंस 12 हम यहां पे देखते हैं, 12 सेंटेंस में कहा है ही सेड आई शैल बी रीडिंग, तो ही सेड भी ऐसे का ऐसे रहा, सेड तो नहीं बदलता है, सेड टू होता है तो आप टोल्ड लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपने यहां पर दैट लगाया, फिर से यहां पर आई दिया हुआ है तो आई सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट यहां पर ही है तो हमने ही लिखा, इसके बाद विल शेल को हमने बदला वुड में, बी ऐसे ही आया, रीडिंग भी ऐसे ही आ गया, तो यहां पर सब्जेक्ट को बदलना था हमें, आई को बदलना था ही की अकॉर्डिंग, इसलिए हमने ही लिखा था, और विल शेल वाला जो था वुड शुड में बदल जाता है, इसलिए हमने यहां पर वुड लगा दिया। इसके बाद सेंटेंस 13 की तरफ देखते हैं, तो सेंटेंस 13 में यहां पर कहा है ही सेड टू हिज सिस्टर हमिज शुड गो देयर, सेड टू यहां पर दिया हुआ है तो सेड टू को आप टोल्ड में बदलेंगे, ही टोल्ड हिज सिस्टर, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपने लगाया दैट, हामिद को ऐसे का ऐसे ही लिखा,
और अगर सेंटेंस में शुड दिया हुआ है तो शुड नहीं बदलेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। गो भी ऐसे ही आ गया और देयर ये भी आपने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। मीन शुड वाले को आप नहीं बदलते। इसके बाद 14 में देखते हैं। 14 में यहां पर कहा है आई सेड टू हिम, फिर से यहां पर सेड टू दिया हुआ है तो सेड टू को आपने टोल्ड में बदल देना है। हिम ऐसे ही आ गया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने लगाया दैट इट, ये भी ऐसे का ऐसे ही आ गया। और हमने पढ़ा है कि अगर मैं होगा तो मैं को बदला जाना है माइट में, तो इट माइट रेन ये ऐसे का ऐसे हम लिख देंगे, मैं को माइट में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद 15 की तरफ देखते हैं। 15 में कहा है ही सेड मोहन इज इल, सेड ऐसे ही रहता है तो हमने ही सेड ऐसे लिखा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमने लगाया दैट मोहन सब्जेक्ट है, ये हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। इज एम आर वाला वाज वर में बदल जाता है तो हमने इसको वाज में कन्वर्ट कर दिया और इल ये ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 16 में कहा है सी सेड द टीचर इज राइटिंग ए लेटर, सी सेड ऐसे ही आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपने लगाया दैट द टीचर ये भी ऐसे आया। यहां पर इज दिया हुआ है तो इज एम आर वाले बदलते हैं वाज वर में, टीचर के साथ लगाएंगे आप वाज, राइटिंग ए लेटर ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसके बाद 17 देखते हैं। 17 में कहा है राम सेड टू मोहन गीता हैज डन हर वर्क, सेड टू यहां पर दिया हुआ है, सेड टू को आप टोल्ड में बदल देंगे। राम टोल्ड मोहन, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमें लगाना होता है दैट तो हमने दैट लगाया, गीता सब्जेक्ट था उसको हमने ऐसे लिखा, हैज यहां पर दिया हुआ है, हैव एज वाले बदलते हैं हैड में, हमने यहां पर हैड लगा दिया। डन हर वर्क ये आगे को वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया है। इसके बाद 18 की तरफ अगर हम देखें तो 18 में कहा है ही सेड टू मी हरी प्लेड वेल, सेड टू यहां पर दिया, सेड टू को आपने टोल्ड में बदला, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाया दैट हरी ऐसे ही आ गया। और ये यहां पर दिया हुआ है प्लेड सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म वाले बदलते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो हेड प्लेड वेल हमने यहां पर लिख दिया, सेकेंड फॉर्म वाले को हेड और थर्ड फॉर्म में वहां पर बदलना होता है। इसके बाद 19 देखते हैं। 19 में यहां पर कहा है सी सेड टू मी टीचर वाज गोइंग टू मेरठ, सेड टू यहां पर दिया हुआ है, सेड टू को आपने टोल्ड में बदला, मी ऐसे लिखा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगाया दैट द टीचर वाज, वाज यहां पर दिया हुआ है, वाज वाला बदलता है हैड बीन में, तो वाज को बदल दिया हमने हैड बीन में, आगे गोइंग टू मेरठ ये ऐसे का ऐसे ही हमने लिख दिया। इसके बाद 20 को देखते हैं। 20 में कहा है ही सेड टू मी आई एम अनवेल, सेड टू यहां पर दिया हुआ है, सेड टू को आपने टोल्ड में बदला, मी ऐसे ही लिखा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने लगाया दैट, अब यहां पर आई आ गया, आई बदलता है सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट यहां पर दिया हुआ है ही तो हमने ही लिखा। अब इज एम आर वाला बदलता है वाज वर में, ही के साथ लगाएंगे आप वाज, ही वाज अनवेल, आगे ऐसे का ऐसे ही लिख दिया जाना है। इसके बाद 21 देखते हैं। 21 में कहा है द बॉय सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, सेड ऐसे का ऐसे ही रहता तो हमने सेड को ऐसे ही लिखा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया, आई यहां पर दिया तो आई बदला है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहां पर द बॉय है लड़का है तो हमने ही लगा दिया। हैव हैज वाले बदलते हैं हैड में, ही के साथ आएगा हैड, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ड द एग्जामिनेशन ये ऐसे का ऐसे ही आ जाना है, मीन हैव हैज को हैड में बदल देना है। इसके बाद 22 देखते हैं। 22 में यहां पर कहा गया द ओल्ड मैन सेड आई लिव्ड मेनी ईयर्स इन कोलकाता, सेड है तो आपने सेड को ऐसे ही लिखा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने लगा दिया दैट द ओल्ड मैन सेड दैट, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है सब्जेक्ट, यहां पर द ओल्ड मैन है तो हमने यहां पर ही लगा दिया। लिव्ड सेकेंड फॉर्म वाला सेंटेंस है, सेकेंड फॉर्म वाले बदलते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो आपने हेड और थर्ड फॉर्म यहां पर लगाई। मेनी ईयर्स आगे ऐसे आया इन कोलकाता, ये भी ऐसे का ऐसे आपने लिख दिया। इसके बाद 23 में देखते हैं।
23 में यहां पर कहा है, सी से टू हर फ्रेंड योर हॉर्स डाइड इन द नाइट, से टू यहां पर दिया हुआ है फिर से, तो से टू को आप टोल्ड में बदल देंगे, शी टोल्ड हर फ्रेंड, ये ऐसे का ऐसे ही आ गया। इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाया दैट योर, अब यहां पर योर वर्ड दिया हुआ है, योर पॉजिटिव वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट यहां पर हर फ्रेंड दिया हुआ है, तो हम कह ले लेंगे इसका पॉजिटिव क्योंकि लड़की हो सकती है, इसलिए हमने यहां पर कह लिया हर लिया। हर हॉर्स डाइड सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म वाले जाते हैं हैड और थर्ड फॉर्म में, तो आपने हैड लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड इन द नाइट, आगे का सेंटेंस वैसे का वैसे आपने लिख दिया। याद रखेंगे यू योर जो बदलते हैं वो ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं, ऑब्जेक्ट यहां हमारे पास जो योर पॉजिटिव वर्ड था तो हमने यहां पर पॉजिटिव वर्ड ही लिखना है, हर यहां पर पॉजिटिव वर्ड है, हर हॉर्स सेकेंड फॉर्म यहां पर थी इसलिए आपने उसको बदला हैड और डाइड में, मीन थर्ड हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इसके बाद 25 देखते हैं, 25 में क्या है, द मैन सेड टू द गर्ल आई नो यू एंड योर फादर, सेड टू यहां पर दिया हुआ है, तो सेड टू को टोल्ड में लगे, द ओल्ड मैन टोल्ड द गर्ल, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने लगाया दैट, आई बदलता है सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट यहां पर द मैन है तो उसके लिए हमने लगा दिया ही, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म वाले बदलते हैं सेकेंड फॉर्म में, मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है, तो नो को हमने न्यू सेकेंड फॉर्म लगा दिया। यू योर ये भी बदलते हैं, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट यहां पर लड़की है और यू पॉज ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो लड़की के लिए ऑब्जेक्ट यहां पर लगा लेंगे हर। इसके आगे आगेगा एंड योर, यहां पर योर पॉजिटिव वर्ड है, यू योर जो होता है ये भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो लड़की के लिए यहां पर आ जाएगा हर, लड़की के लिए पॉजिटिव वर्ड भी हर हो जाता है, आगे फादर था वो हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। इसके बाद 26 की तरफ देखते हैं, 26 इसमें कहा है ही सेड टू मी यू आर गेटिंग बोर्ड, सेड टू यहां पर दिया हुआ है, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, मी ऐसे लगाया इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगा दिया दैट, यू यहां पर दिया यू बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के आधार पर बदला है, ऑब्जेक्ट यहां पर मी दिया हुआ था, मी का सब्जेक्ट हो जाना है आई, इज एम आर वाले बदलते हैं वाज वर में, आई के साथ लगेगा वाज, आगे गेटिंग बोर्ड ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, यू योर याद हमेशा याद रखें कि ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं, ऑब्जेक्ट यहां पर मी था तो उसका सब्जेक्ट आपने आई लिखा। इसके बाद 27 देखते हैं, 27 में कहा है आई सेड टू देम आई शैल बी, यहां पर बी है, आई शैल बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, सेड टू तो बदल जाना है टोल्ड में, आई टोल्ड देम ऐसे लगा लिया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने लगाया दैट, आई सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, सब्जेक्ट पहले से ही आई है तो यहां पर भी आई आ गया, शैल वाला बदल जाना है शुड में, आई शुड, और बी ऐसे ही आ गया पंक्चुअल इन फ्यूचर, ये आगे का सेंटेंस भी ऐसे ही आ जाना है। इसके बाद 28 देखते हैं, 28 में यहां पर कहा है यू सेड टू मी, सेड टू यहां पर दिया हुआ है, आई हेल्प माई फ्रेंड, सेड टू को हमने टोल्ड में बदला, मी ऐसे का ऐसे लगाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाया दैट, आई सब्जेक्ट के आधार पर बदला है, सब्जेक्ट क्या है यू, तो आई की जगह पर हमने लिख दिया यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लगाई गई तो उसको सेकेंड फॉर्म हेल्प में बदला, माई आई मी माई ये भी सब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं, तो सब्जेक्ट यहां पर यू था, तो पॉजिटिव वर्ड ये माई पॉजिटिव वर्ड है, यू का पॉजिटिव वर्ड हो जाता है योर, इसलिए हम यहां पर योर लिखेंगे, योर फ्रेंड। इसके बाद 29 की तरफ देखते हैं, 29 में कहा है दे सेड टू अस वी वांट टू प्ले फुटबॉल, सेड टू यहां पर दिया हुआ है, सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है, टोल्ड हमने लगाया, अस ऐसे लगाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाया दैट, वी सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, सब्जेक्ट क्या है दे है, तो यहां पर भी हमने दे लिख लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट है तो सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, वांटेड आ जाएगा, टू प्ले फुटबॉल ये भी ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद 30 देखते हैं, 30 में कहा है आई सेड टू हिम यू कैन हेल्प योर ब्रदर, सेड टू यहां पर दिया हुआ है, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, हिम ऐसे आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाया दैट,
यू बदलता है ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट यहां पर हिम दिया हुआ है, हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। और कैन वाले याद रखें, कैन वाले बदलते हैं कुड में, हेल्प ये भी ऐसे आ गया। अब ये योर पॉजिटिव वर्ड है, यू योर ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं, इसके आधार पर बदला जाना है, हिम के आधार पर बदलना है। लेकिन योर पॉजिटिव वर्ड है तो हिम का पॉजिटिव वर्ड होता है हिज, हिज ब्रदर। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरीके से इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को बनाएंगे, मीन अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में दी हो तो सेंटेंस में किस तरीके से परिवर्तन किया जाना है, किस तरीके से आपको बनाने हैं इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।